जय श्री महाकाल दोस्तों, ज्योति जगत के संकम आपका स्वागत है। दोस्तों आजकल नवरत्न अंगूठी पहनने का एक फैशन सा चल पड़ा है। आप देखेंगे कि अधिकतर लोगों के हाथ में नव ग्रहों से संबंधित जो रत्न होते हैं, नौ रत्न जिनको बोलते हैं, उसको एक अंगूठी में जड़वाकर और उसको पहना जाता है। तो क्या वो सही है या क्या वो गलत है, इस अंक में हम इसको देखेंगे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं ज्योति जगत बाय देव निरंजन। दोस्तों सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम अगर कोई भी अंगूठी धारण करते हैं तो उसका हमारे जीवन पर फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। दोस्तों अगर हम किसी भी रत्न को धारण करते हैं तो उस रत्न से संबंधित जो ग्रह है वो एक्टिव हो जाता है और उससे संबंधित जो किरण है वो हमारे शरीर में प्रवेश करने लग जाती है। जैसा अगर आप हीरा धारण करते हैं तो आपको शुक्र की एनर्जी मिलने लग जाती है, नीलम धारण करते तो आपको शनि की एनर्जी मिलने लग जाती है, पुखराज धारण करते हैं तो आपको गुरुदेव बृहस्पति की एनर्जी मिलने लग जाती है। इसी प्रकार उपरत्नों का भी होता है कि आप जिस ग्रह का उपरत्न धारण करते हैं तो उसकी जो रश्मियां होती है, उसका जो प्रभाव होता है वो आपके जीवन पर पड़ने लग जाता है। तो दोस्तों जो अंगूठी होती है वो एक प्रकार से रिसीवर का काम करती है। जो अंतरिक्ष में जो ग्रह होते हैं उससे जो विकिरण निकलती है और आपकी कुंडली में वो ग्रह जिस भाव में स्थित होता है वो एक्टिव हो जाता है। इस प्रकार से जो अंगूठी होती है वो उस ग्रह को बलि कर देती है। तो अंगूठी का जो कार्य होता है वो उस ग्रह को बल देना होता है। तो दोस्तों अगर आपने आपकी कुंडली के हिसाब से अगर अंगूठी धारण की है तो आपको बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिल सकता है। मान लीजिए आपने अगर कारक ग्रहों की अगर अंगूठी धारण करी है और वो भी 6, 8, 12 के भाव में नहीं है या फिर अस्त है और आपने उनकी अंगूठियां धारण करी है सही समय पर, सही उंगली में अगर आपने धारण करी है तो उसके काफी अच्छे आपको परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन कुंडली में कारक ग्रहों के अलावा बाधक ग्रह भी होते हैं। एक मारक ग्रह होता है, बाधक ग्रह भी होते हैं, 6, 8, 12 के जो स्वामी होते हैं उनके भी ग्रह होते हैं। तो अगर आपने उनके रत्न धारण कर लिए तो वो फिर एक्टिव हो जाएंगे और आपकी कुंडली में जिस भाव में बैठे हैं उस भाव की वो हानि कर देंगे। दोस्तों हर किसी की कुंडली में एक मारक ग्रह होता ही है, बाधक ग्रह होते ही हैं, 6, 8 और 12 के जो स्वामी हैं वो भी होते हैं। तो वो जीवन में परेशानियां उत्पन्न करते हैं और यदि आपने उनकी अंगूठी धारण की है या फिर उनसे संबंधित रत्नों का आपने लॉकेट में पहना है या फिर ब्रेसलेट में पहना है तो वो जो ग्रह है वो एक्टिव हो जाएगा और आपके जीवन में परेशानी भी उत्पन्न कर सकता है। दोस्तों अब हम नवरत्न अंगूठी की बात करते हैं। नवरत्न अंगूठी में जो 9 ग्रह होते हैं उनके रत्न लगाए जाते हैं और उसको ऐसा बताया जाता है कि वो सिद्ध की हुई है और यदि आप उसको धारण करेंगे तो आपके सारे के सारे ग्रह बैलेंस रहेंगे, पर ऐसा नहीं होता है। इसका कारण क्या है कि एक तो आपकी जो दशा चल रही है, एक तो महादशा चलती है, एक उसके बाद में अंतर दशा चलती है, फिर प्रत्यंतर दशा चलती है। तो इस प्रकार से आपकी दशाएं, ग्रहों की दशाएं चलती है। अब मान लीजिए कि आपकी जिस ग्रह की दशा चल रही है और यदि वो आपकी कुंडली में मारक है या फिर बाधक ग्रह है या फिर 6, 8, 12 का स्वामी है और आपने उसका अगर रत्न धारण कर लिया है तो आप निश्चित जानिए कि आपके जीवन में परेशानियां बढ़ सकती है, क्योंकि वो जो ग्रह है वो अपनी दशा अंतर दशा के अंदर सबसे ज्यादा प्रभावी होता है और उसी के सबसे ज्यादा रिजल्ट प्राप्त होते हैं। तो यदि वो अगर मारक है तो आपको मृत्यु तुल कष्ट भी दे सकता है या बाधक है तो आपके हर कार्य में बाधा आ सकती है। तो यदि आप उसके अंगूठी धारण करेंगे तो आपको निश्चित रूप से आपका जो जीवन है वो दुखमय हो जाएगा और आपके सभी कार्यों में अड़चन आने लग जाएगी। आपकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है या फिर आपके परिवार के अंदर वाद विवाद हो सकता है या फिर आपके स्वास्थ्य से संबंधित कुछ ना कुछ दिक्कत आ सकती है। तो यदि दशा और अंतर दशा के हिसाब से अगर आपने रत्न धारण कर लिया, 9 रत्न की जो अंगूठी होती है उसमें 9 के 9 रत्न होते हैं, तो आपका मारक का रत्न भी उसमें होता है, आपके बाधक का रत्न भी उसमें होता है और जब आपकी दशा या अंतर दशा में वो बलि हो जाता है और जब गोचर में बलि हो जाता है तो आपको दिक्कत भी दे सकता है। इसके अलावा जो 9 रत्न की अंगूठी होती है उसके अंदर राहु का रत्न भी होता है, गोमेद केतु का रत्न भी होता है, लहसुनिया और नीलम भी होता है, शनि का रत्न नीलम भी होता है। तो ये जो रत्न है, ये 3 रत्न इतने पावरफुल होते हैं कि ये बहुत जल्दी असर दे देते हैं और खास तौर से राहु का गोमेद और नीलम तो इतनी जल्दी असर कर देता है कि 24 घंटे के अंदर वो अपना असर दिखा देता है। और यदि आपकी कुंडली के अंदर शनि या फिर राहु अकारक ग्रह है या फिर मारक की स्थिति में है या फिर 6, 8, 12 के अंदर अगर वो स्थापित हैं और आपको नुकसान दे सकते हैं और आपने अगर वो नवरत्न अंगूठी धारण कर ली है
तो आप निश्चित जानिए कि शनि राहु और केतु के चक्रव्यूह में आप फंस सकते हैं और आपका जो जीवन है अगर आपने उसको सुखमय जीवन प्राप्त करने के लिए आपने नवरत्न अंगूठी धारण की है तो वो और दुखमय हो जाएगा और आपके जो कष्ट है वो नवरत्न अंगूठी पहनने के बाद में और बढ़ते जाएंगे और आपको समझ में नहीं आएगा कि इसका कारण क्या है। दोस्तों नवरत्न अंगूठी जो होती है उसमें आपके कार्य ग्रहों के भी रत्न लगे हुए होते हैं लेकिन उस बात की गारंटी नहीं होती है कि आपकी जो दशा चल रही है वो कारक ग्रहों की चल रही है कि बाधक ग्रहों की चल रही है। तो अगर मान लो अगर कारक ग्रह की चल रही है तो आपको वो अच्छा फल देगी लेकिन अगर वो बाधक ग्रहों की चल रही है तो आपके परिणामों को बिगाड़ भी सकती है। कारक ग्रहों की चलेगी तो उसमें भी बाधक ग्रह भी आपने पहन रखे हैं तो वो भी एक्टिव रहेंगे तो कारक ग्रहों को इतना प्रभाव नहीं देने देंगे। इस कारण से जो नवरत्न अंगूठी है वो कभी भी फायदा नहीं देती है बल्कि नुकसान कर सकती है और एक समय ऐसा आता है कि नवरत्न अंगूठी पहनने के बाद में जीवन में काफी परेशानियां बढ़ जाती है। अगर गोचर के अंदर आपका बाधक या मारक ग्रह या फिर शिहाद्वारा का स्वामी अगर गोचर के अंदर बलिय हो गया है तो वो जो रत्न के नौ रत्नों की अंगूठी है वो उसको एक्टिव कर देगी और आपको काफी दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए आपको सर दर्द की प्रॉब्लम है और आप किसी मेडिकल की दुकान पर गए, अब उसने सर दर्द की गोली के साथ में उसने बाकी दर्दों की गोली भी आपको दे दी कि आप पेट दर्द की भी खा लीजिए, आपका पेट दुख रहा है उसकी भी खा लीजिए, या आपको और कोई सी दिक्कत है आप डायबिटीज की भी खा लीजिए। तो ऐसा नहीं होता, आप सारी गोलियां एक साथ नहीं खा सकते हैं क्योंकि आपको जिस चीज की दिक्कत है जिस शरीर के जिस अंग में दिक्कत आ रही है आपको उसकी ही गोली खाना पड़ेगी। अगर आपने दूसरी कोई सी गोली खाई, अगर आपका शरीर स्वस्थ है और आपने बिना प्रॉब्लम के अगर दूसरी गोलियां का सेवन कर लिया आपने तो आप उसमें दिक्कत में भी आ सकते हैं, उसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से आपको जो दिक्कत चल रही है ग्रह दशा या अंतर दशा के हिसाब से आपको जो दिक्कत चल रही है आपको उस ग्रहों का ही इलाज करना पड़ेगा। या तो उसके आप दान कर सकते हैं या फिर उसके मंत्रों का जाप कर सकते हैं। यदि आप वो कारक ग्रह है और अस्त होकर बैठा है तो आप उस रत्न की ही अंगूठी आप धारण करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। तो दोस्तों जो नवरत्न अंगूठी होती है आप ये समझ लीजिए कि वो एक टाइम बम के जैसे काम करती है। यदि आपके मारक या बाधक ग्रहों की दशा या अंतर दशा आ जाएगी तो वो आपके शरीर में उस ग्रह को एक्टिव कर देगी और आपका काफी नुकसान भी करवा सकती है। इसलिए आप सोच समझ के नव रत्न अंगूठी को धारण करें और मैं तो कहता हूँ कि उसको धारण न करें तो ज्यादा अच्छा है। नव ग्रह शांति के बहुत सारे दूसरे उपाय भी होते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। तो दोस्तों नवरत्न अंगूठी के ऊपर आज का वीडियो था, इसमें हमने देखा कि नवरत्न अंगूठी को कभी भी धारण नहीं करना चाहिए ना ही उसका लॉकेट धारण करना चाहिए। उसके अंदर काफी छोटे छोटे रत्न होते हैं, वो इतना असर नहीं करते। यदि आपके कारक ग्रहों की दशा चल रही है तो आप उनके ही रत्न डायरेक्ट धारण कर लीजिए। यदि मारक ग्रहों की दशा चल रही है या वादक ग्रहों की दशा चल रही है, अंतर दशा चल रही है या फिर गोचर के अंदर वो खराब स्थिति के अंदर है तो आप उसका दान या फिर आप उसके मंत्रों का जाप करिए तो वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। नवरत्न अंगूठी आपको इतना फायदा नहीं देगी। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। अगले अंक तक के लिए जय श्री महाकाल।